कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। 13 जुलाई को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 13 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट को लेकर दोनों ही पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दोनों ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों ही दल अपनी तरफ से दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जीत होती है, लेकिन दोनों की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन नाथ के चुनाव प्रचार में पहुंचे और इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, इसीलिए जनता उन्हें नकारने का काम करेगी। हार को जीत में बदलना, यही तो कांग्रेस है, यही तो हमारा हुनर है। फिर देश ने इस परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो उत्तराखंड के लोग अब समझ रहे हैं कि इस समय परिवर्तन की बयार थी, हम पीछे रह गए, तो वो सब लोग इस समय इस विधानसभा के दो उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दे करके अपनी उस कसक को, जो परिवर्तन की कसक है, उसको पूरा करना चाहिए। जो भाजपा में अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है, इस उपचुनाव में भाजपा की हार के साथ वो घमंड, वो अहंकार जो है चूर हो जाए। हम नीतियों पर, सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास का हमारा मुद्दा है। लोकतंत्र में का जो असली चेहरा है उसको कमजोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और प्रदेश के जो हालात हैं, देश के हालात हैं, आज वो आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसानों का आज न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसान 750 किसानों ने प्राणों की आहुति दी है। जोशीमठ नगर पालिका